नमस्कार, मैं कनिका वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मुकेश अंबानी को धमकी, घर के बाहर कमांडो तैनात। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध हालात में मिली स्कॉर्पियो से एक धमकी भरा पत्र बरामद किया गया है। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता को संबोधित इस पत्र में धमकी भरे अंदाज में टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखा गया है कि मुकेश भाई, अभी तो ये ट्रेलर है और पूरी फैमिली को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। इस स्कॉर्पियो से जिलेटिन की 20 छड़े भी बरामद की गई है। उधर मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर कमांडो तैनात कर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार स्कॉर्पियो का नंबर अंबानी की सुरक्षा में लगी एक SUV के समान है। केरल के कोझिकोड स्टेशन पर ट्रेन से विस्फोटकों का जखीरा बरामद। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने चेन्नई मंगलपुरम एक्सप्रेस से यात्रा कर रही महिला यात्री से भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए हैं। तमिलनाडु की रहने वाली रमणी नाम की इस महिला से जिलेटिन की 100 छड़े और 350 डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने रमणी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि महिला ने जिलेटिन की छड़े लाना स्वीकार कर लिया है। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। केरल में अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे देखते हुए राज्य में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। भारत बंद का मिला जुला असर, दिल्ली मेरठ में खुले रहे बाजार। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने GST एक्ट में किए गए संशोधनों, ई वे बिल और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज के लिए भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन अधिकांश राज्यों में बंद का असर नजर नहीं आया। दिल्ली और मेरठ में भी बंद बेअसर रहा। दिल्ली के व्यापारियों का कहना है कि GST के प्रावधान बहुत जटिल, कठोर और पीछे ले जाने वाले हैं, लेकिन बंद समस्या का समाधान नहीं है। जबकि ट्रांसपोर्ट्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ है। वहीं तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास में विधानसभा तक साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में गर्मी का सितम शुरू, जम्मू कश्मीर सहित कुछ राज्यों में बारिश की संभावना। दिल्ली NCR में फरवरी महीने में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री और 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में बीते 15 साल में फरवरी महीने में बुधवार सबसे गर्म दिन रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश होने की संभावना है। सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों पर अमेरिका ने बरसाए बम, बाइडेन प्रशासन में पहली एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। ये सभी ठिकाने कताइब हिजबुल्ला और कताइब सैयद अल शुहादा से संबंधित है। CNN ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस एयर स्ट्राइक में 17 ईरान समर्थित आतंकवादी मारे गए हैं। बाइडेन ने इराक में अमेरिकी सेना को टारगेट कर किए जा रहे हमलों के विरोध में पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित आतंकियों पर सीमित एयर स्ट्राइक करने का आदेश दिया था। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन क्रीबी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन सीरिया और इराक में हालात खराब नहीं होने देना चाहते हैं। ये एयर स्ट्राइक आतंकियों के लिए इस बात का संदेश है कि उन्हें उनके करतूतों की सजा दी जाएगी। बाजार में रेलटेल की जोरदार एंट्री, 16% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। NSE में आज रेलटेल के शेयर की 15.96% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। रेलटेल का शेयर 94 रुपए इशू प्राइस के मुकाबले 109 रुपए पर लिस्ट हुआ। BSE में रेलटेल का शेयर 11.28% ऊपर 104.60 रुपए पर खुला और 10 बजे के बाद 18.62% बढ़कर 111.50 रुपए पर ट्रेड करने लगा। सरकारी स्वामित्व वाली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इंफ्रा प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया का IPO 16 फरवरी को खुलकर 18 फरवरी को क्लोज हुआ है। इस IPO का प्राइस ब्रांड 93 से 94 रुपए प्रति शेयर तक किया गया था, जो इसकी फेस वैल्यू से 9.4 गुना ज्यादा है। इस ऑफर से मिली राशि में से कोई भी राशि कंपनी को नहीं मिलेगी, बल्कि सारी राशि सरकार को जाएगी। अहमदाबाद में अक्षर पटेल ने लगाई रिकॉर्ड्स की जड़ी, दिग्गजों को छोड़ा पीछे। अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच में अक्षर पटेल ने 11 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अपने नाम कर लिया। इसी के साथ अक्षर पटेल डे नाइट टेस्ट मैच में 11 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। अक्षर पटेल से पहले डे नाइट टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट किम्स के नाम था। किम्स ने ब्रिस्बेन में श्रीलंका के खिलाफ 62 रन देकर 10 विकेट झटके थे। अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में 5 विकेट झटकने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, रविचंद्र अश्विन ने ये करिश्मा किया है।
अक्षर पटेल ने नरेंद्र हिरवानी के बाद पहले दो टेस्ट मैच में 3 बार 5 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।